नमस्कार दोस्तों, सीकार दोस्तों, मैं डॉक्टर शाइस्ता खान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो, भाई वैसे तो सारी वीडियो खास होती हैं, बट दिवाली आने वाली है तो थोड़ा सा और खास बनाने वाली हूँ मैं इस वीडियो को। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोल्डन ग्लो फेशियल स्पेशली फॉर दिवाली। यस दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दिवाली पर इतना ज्यादा काम होता है कि अगर हमें कोई 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप के फेशियल बताएगा वो फॉलो करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि घर में जो महिलाएं हैं, जितनी मेरी प्यारी प्यारी एंजल्स हैं जो अभी सफाई में लगी होंगी घर की और बहुत ज्यादा मतलब बाहर शॉपिंग पे भी जा रही हैं, घर पे भी देख रही हैं, गिफ्ट भी बांट रही हैं, सारी चीजें कर रही है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एंड योर कंडीशन एज वेल। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं भी इतने सारे स्टेप्स बताती रहूंगी कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो आप कैसे कर पाओगे सारी चीजों को, पॉसिबल नहीं हो पाता। खासतौर पर जब आप पूरी जिम्मेदारी घर की आपके ऊपर हो, तो इतनी सारी चीजें आपको करनी हो, दिवाली आ रही हो, तो फिर आप क्या करें, किस तरीके से सिर्फ 5 मिनट में आप एक ऐसा फेशियल करें कि सब लोग हैरान रह जाए कि भाई कौन से पार्लर होके आए हो, तुम कौन से सलोन में टाइम लगाया कि 5-6 घंटे लगाकर आए हो क्या। बट नहीं, आप स्माइल करके कहें जी नहीं, ये तो सिर्फ मैंने 5 मिनट में किया है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो भाई, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और एक बेल होती है पास में, एक घंटी का एक निशान बना होता है, उसको भी क्लिक कर देना। तो उससे क्या होगा, हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपकी तरह और भी बहुत सारी एंजल्स हैं मेरी प्यारी प्यारी जो बहुत ज्यादा काम में लगी हैं उस वक्त दिवाली की तरफ से। तो ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं सीधा आपको ले चलती हूँ इंग्रेडिएंट्स की तरफ, और किस तरीके से आपको करनी है ये पूरा फेशियल का पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल है और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, घर के घर में ही सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है गर्ल्स, देखिए हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे चेहरे पे किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज है, डस्ट है, मेकअप है, तो उस पर हम फेशियल नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने चेहरे को अच्छे से धो लेना है, ठीक है। देखिए अब इसका मैं प्रोसेस आपको बताना शुरू कर रही हूँ, और ये आप सुबह से ही करना शुरू कर सकती है। लाइक अगर आप छोटी दिवाली पे करना चाहते हैं, आप धनतेरस वाले दिन करना चाहती हैं, या आप मेन दिवाली दिन वाले दिन भी करना चाहती हैं, तो भी आप बड़ी आसानी से कर लेंगी। बड़े सिंपल वे में बताने वाली हूँ मैं क्या करना है। जब आप सुबह किचन में जाएं और आप दूध उबालने के लिए रखें, तो उसमें से थोड़ा सा कच्चा दूध निकाल दीजिए, ठीक है। कच्चा दूध निकाल के आपको क्या करना है, बहुत थोड़ा सा लेना है, आप एक किसी भी कांच के बाउल में ले सकते हैं, और आपको लेना है कॉटन पैड, और उसको डिप करके आपको अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है उसको, ठीक है। कैसे, जैसे आप गुलाब जल लगा लेते हैं या आप कोई अन्य लोशन वगैरह लगाते हैं, उस तरीके से। ध्यान रहे कि जो दूध है या जो मिल्क है उसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही ज्यादा फ्लोई होती है, ठीक है। तो बहुत एक्स्ट्रा मात्रा में नहीं लगाना, आपको इस तरह से लगाना है कि आपकी पूरी जो फेस है आपका प्लस आपका नेक वो क्लेंज हो जाए। आप चाहे तो अपनी कोहनियों पे भी लगा सकती हैं ताकि वो भी और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। हाथों पे भी लगा सकते हैं, बट जो मेजर हमारा पार्ट इस वक्त वो हमारा फेस और नेक है, तो उस पर आपको जरूर जरूर लगाना है। इसको लगाकर आप थोड़ी देर अपने काम में लग जाइए। अगर आपने बाथ नहीं लिया है सुबह सुबह, तो आई वुड प्रेफर कि आप बाद में ही लें, थोड़ा सा उसको डिले कर दें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा, आप थोड़ा अपना काम वाम निपटाना शुरू कर दीजिए और चेहरे पर उसे छोड़ दीजिए। अगर आपको बाहर जाना है तो उसको 15-20 मिनट बाद धो लीजिएगा। ये आपका फेस क्लेंस करने का पूरा प्रोसेस हो गया। अब जो मेन पार्ट है आपका, जो आपका 5 मिनट वाला फेशियल है, वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए मेन इंग्रेडिएंट्स आपके क्या रहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से कर पाए। और जो गोल्डन ग्लो आप चाहते हैं कि दिवाली के दिन कुछ स्पेशल लगे आप, और जो ड्रेस है वो आपकी जो प्यारी सी ज्वेलरी आप पूरा उसको स्टाइल करने वाले हैं, उसके साथ जो आपके चेहरे की चमक है वो बराबर से आपको कॉम्प्लीमेंट दे, तो उसके लिए आपको सिंपल सा, इसमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं है गर्ल्स, आपको सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट चाहिए, और जो शायद आपके किचन में ही अवेलेबल है, कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है आपका वो है चावल का आटा। जी हाँ, सही सुना आपने, चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा बाय चांस नहीं हो, तो चावल घर पे जरूर होंगे। कौन से वाले चावल, वो व्हाइट वाले चावल, ठीक है, वो गोल्डन या येलो वाले नहीं, व्हाइट वाले चावल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
उसका अगर आटा मिल जाए तो वेल एंड गुड है, आप चाहें तो मार्केट में जाके ले भी आ सकती हैं सुबह, नहीं है तो घर में चावल उनको पीस के उनको छान लीजिए और एक चम्मच, या अगर आपको गर्दन भी पूरी अपनी कवर करनी है तो 2 चम्मच आपको वो चावल का आटा लेना है, ठीक है, इतना ही करना है आपको। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है आपका, जो मेजर इंग्रेडिएंट है, वो है कच्ची हल्दी। देखिए हल्दी पाउडर तो आपके घर में होगा ही होगा, कुछ लोग कच्ची हल्दी भी घर के अंदर ही रखते हैं, बट बाय चांस आपके पास नहीं है तो जो भी आपके जो वेजिटेबल वेंडर हैं, जो सब्जी बेचने वाले भैया हैं, उनसे आप मंगा सकती हैं, उनके पास जरूर जरूर मिल जाएगी क्योंकि आजकल सभी लोग यूज कर रहे हैं उसको, ठीक। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल थोड़ी सी, बहुत ज्यादा मत लीजिएगा वरना पूरा चेहरा में बहुत ज्यादा एक गोल्डन कलर आ जाएगा या बहुत ज्यादा येलोइश हो जाएगा जो ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतनी सी, बिल्कुल इतनी सी हल्दी का वो टुकड़ा लेना है आपको, ठीक है, बहुत थोड़ा सा, लाइक 1/2 इंच के बराबर का। और इसका जो मेन जो पार्ट है वो ये है कि आपको इसको जो मॉर्टल पेस्टल आता है, जिसको हामन दस्ता भी बोलते हैं या ओखली बोलते हैं ना, जिसमें आप अपनी किचन में अदरक वगैरह कूटते हैं, वो आपको यहाँ पे चाहिए होगा। बट ध्यान रहे उसमें आपने कुछ मिर्चों वाली चीज नहीं बनाई हो, वरना आपकी स्किन पे मिर्चें लग जाएंगी। साफ होना चाहिए क्योंकि मेरे पास जो है उसमें मैं कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं कूटी हुई होती है कि मिर्चें लग जाए फेस पे। मैंने दो, मतलब मेरे पास अलग अलग है, मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो उसमें आप बना सकते, अगर बाय चांस वो आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल अपनी कोई भी एक ग्लास की कटोरी लेके, जो भी शीशे की कांच की कटोरी हो उसमें भी आप बना सकते हैं। बट उसमें बनाने का रीजन ये है कि जब आप उसको बहुत अच्छे से, उस अदरक सॉरी हल्दी के टुकड़े को बहुत अच्छे से पीसते हैं तो जो उसके रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको अच्छे से आप उसमें मिक्स कर लेंगे। प्लस तीसरा जो इंग्रेडिएंट है आपका वो है शहद, ठीक है। अब अगर आपने 1 चम्मच आटा लिया है तो आपको कम से कम उसमें 1.5 से 2 चम्मच शहद डालना पड़ेगा, क्योंकि जो वो उसकी कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत थिक हो जाएगी। और आपको क्या करना है, पेस्ट बनाना है, ठीक है ना, जाके फेस पे अच्छे से लगा सके। कोशिश कीजिए कि 2 चम्मच आप शहद ले ही लें, ठीक है। अगर आपने 2 चम्मच आटा लिया है चावल का तो फिर आपको उसमें शहद की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप गर्दन पे पूरे अपने पार्ट पे बैक का पार्ट भी कवर कर रहे हैं, बट फिलहाल मैं फेस की बात कर रही हूं। तो 1 चम्मच आपको लेना है चावल का आटा, 1/2 इंच टुकड़ा आपको लेना है उस हल्दी का, साबुत हल्दी जो आती है, और उसके साथ 2 चम्मच शहद आपको ऐड करने है। कोशिश कीजिए सारी चीजें आप उस ओखली में ही मिक्सअप कर लें अच्छे से और आपके पास एक थिक पेस्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, बहुत सिंपल है, आप अपना फेस धो चुके हैं, जो आपने पूरे फेस पे मिल्क लगाया था वो आप अच्छे से धो लीजिए ताजे पानी से, चेहरे को अच्छे से सोक कर लीजिए, देन आपको ये चीज वैसे ही अप्लाई करनी है, हल्के हल्के इस तरीके से पूरे फेस के ऊपर आप अप्लाई करते जाइए, जहां जहां आपको लगता है कि आपकी स्किन पे पैचेस भी हैं या कोई हल्का सा दाना दुनका भी होने वाला था। अगर आप दिवाली से एक दिन पहले कर रहे हैं तो आप खुद देखेंगे कि वो जो एक जो ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी वो दब जाएगी उस दाने की, इतना अच्छा होता है ये वाला फेशियल जो है, क्योंकि मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ इसको, मैं पर्सनली यूज भी करती हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये चीज करने के बाद आपको इसको सिर्फ 5 मिनट ही अपने फेस पे छोड़ना है, इससे ज्यादा नहीं। कोशिश ये मत कीजिएगा कि आप स्क्रबिंग करना शुरू कर दे, कुछ नहीं करना है आपको, इसको लगा के 5 मिनट ही आपको छोड़ना है और गीला गीला ही हटा देना है। इसको सूखने की सोचिएगा मत कि बिल्कुल सूख जाए तो हटाए, आपका मन है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं लगा के काम भी करती रहूं और इसे लगा रहने दूं, इट्स ऑल अप टू यू, बट मैं जो रेकमेंड कर रही हूं वो रेकमेंड कर रही हूं सिर्फ 5 मिनट के लिए, ठीक। 5 मिनट बाद इसे नॉर्मल पानी से धो लीजिए। अब आपको क्या करना है, कोई भी अच्छा जो फेस मॉइस्चराइजर है या आपके पास अगर कोई अच्छी फेस क्रीम हो तो इसको फेस पर अप्लाई कर लीजिए, एंड दैट्स इट, हो गया है आपका गोल्डन ग्लो फेशियल फॉर दिवाली, आप बिल्कुल रेडी हैं। अब देखिए इसको आप 2 तरीके से कर सकती हैं, या तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग कर लीजिए क्योंकि आप वो कच्चा दूध आप निकाल लेते हैं, अगर बाय चांस आपके पास सुबह टाइम नहीं है, आप बहुत जल्दी में है तो इसको रात में कीजिए। मैं ज्यादातर फेशियल जो है वो रात में ही प्रेफर करती हूँ, मुझे लगता है कि वो ऐसा टाइम होता है कि ठीक है कुछ टाइम हम अपने लिए भी निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो रॉ मिल्क है, जो कच्चा दूध है, उसको आप रख के
आप फ्रिज में रख दीजिए, आप फ्रिज में रखा हुआ दूध भी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं देगा आपको। प्लस आपकी अगर पिगमेंटेशन है, आपको अगर डार्क सर्कल्स की इश्यूज आ रहे हैं, आप देखेंगे कि वो डार्क सर्कल्स भी आपके कम हो गए। बहुत सारी मेरी एंजल्स है जिन्होंने मुझसे पूछा, मैम क्या ये एंटी एजिंग के लिए भी काम करेगा? तो एंटी एजिंग के लिए पिछले वाले फेशियल में मुझसे पूछ रहे थे, बट ये वाला फेशियल गाइस एंटी एजिंग में भी काम करता है, क्योंकि चावल का आटा हमारे चेहरे की झुर्रियों को कम करता है। ये फाइन लाइंस अगर कहीं भी हमारे फाइन लाइंस स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि 30 के बाद स्टार्ट हो जाती है, बड़ी कॉमन सी चीज है, बट अगर आप अपनी स्किन का बड़े प्यारे तरीके से ख्याल रखते हैं तो ये चीजें भी नहीं होंगी आपको, इन चीजों से भी आप गेट इट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। बट जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा सा आपको अपने स्किन पे भी ध्यान देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग आप हेल्दी रहें, लाइफ लॉन्ग आपको कोई स्किन प्रॉब्लम्स ना हो, तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई ये था मेरी तरफ से आप सभी का दिवाली गिफ्ट मेरी सभी एंजल्स के लिए। अब हो सकता है कुछ जो हमारे बॉयज हैं तो बुरा मान रहे हो कि ये तो एंजल्स के लिए बताई जा रही है, हमारे लिए भी कुछ बता दो। बिल्कुल आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एक मेरे पास कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि मैम मैं हमारी दाढ़ी है तो दाढ़ी में हमारा सारा ये चीजें घुस जाती हैं बुरे तरीके से, तो हम क्या करें? बड़ी सिंपल चीज है कि आप तो पहले तो अपनी जो बियर्ड का जो आपका पार्ट है उस पर आप आसपास ही लगाएं, उसके अंदर ना लगाएं तो वो तो दिक्कत ही होगी आपको। प्लस आप पानी से मुंह थोड़ा ऐसे झुका के धोएं कि वो आपकी दाढ़ी में ना फंसे, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कुछ और अच्छी रेसिपीज या नुस्खे मैं आपके साथ शेयर करूं, रेमेडीज मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे आप अच्छे बेनिफिट ले सकें। तो गाइज मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ये ट्रीटमेंट ये नुस्खा आपको कैसा लगा, अप्लाई करें तो अपनी फोटोज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं जो भी बताऊं आपको वो ऑथेंटिक हो, जो मैंने खुद अप्लाई किया हो और जिसके रिजल्ट्स मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हुए हों। ऐसा ना हो कि बस मैंने कहीं से लिया और आपको बता दिया, तो वो चीज मैं नहीं करना चाहती। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो, कंजूसी मत करना लाइक करने में, शेयर करने में भी कंजूसी मत करना, और सब्सक्राइब तो आपने शुरू में कर ही लिया होगा मुझे मालूम है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और खूबसूरत भी रहिए। बी हेल्दी, बी होलिस्टिक, जय हिंद। और हाँ, आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे पूरे एचजो परिवार की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।